बताने जा रहा हूँ कि कोर्ट जहाँ कोर्ट का काम चलता है वो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है एक कोर्ट है। कोर्ट यानी आप उसको न्यायालय भी कहते हैं। कोर्ट जहाँ कोर्ट का अपना जो कामकाज होता है वो यहाँ पे होता है कोर्ट में। एक आधा मैटर जो है वो मैटर की हियरिंग एक कोर्ट में होती है, जिसको हम न्यायालय भी बोलते हैं और उसको कोर्ट भी बोलते हैं। अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं उसको कोर्ट बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भूषण मनोहर माने। मैं आज आपको वकील और वकालत के बारे में कुछ ज्ञान अवगत कराऊंगा। वकील साहब, आप क्या काम करते हैं? समाज में वकील जो होते हैं वो वकालत करते हैं। जो अपने आशील होते हैं उनका केस लड़ने का काम वो कोर्ट में करते हैं। अभी वकालत में दो मुख्य अंग होते हैं, जैसे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस जो होते हैं वो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उसके बारे में जो केसेस होते हैं उसको सिविल केसेस कहा करते हैं। और जो चोरी की दुर्घटना होती है, चोरी होती है, कुछ वारदात होते हैं, कुछ मारपीट होती है, उसको फौजदारी केसेस कहा करते हैं। वकालत में ये दो मुख्य अंग है, जिसे दीवानी केसेस और फौजदारी केसेस कहते हैं। हमारे विद्यार्थियों को आपके काम के बारे में अवगत कीजिए। कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है? कोर्ट का प्रोसीजर जो होता है, कोर्ट में केसेस चलते हैं और वकील जो रहते हैं वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी बाजू जो है वो मानते हैं कोर्ट में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो प्रकार के केसेस होते हैं, जिसमें सिविल केसेस और फौजदारी केसेस कहा जाता है उनको। जो सिविल केसेस रहते हैं यानी अपने ज़मीन जायदाद की जो केसेस रहते हैं वो उनमें कुछ झगड़ा होता है, जैसे दो भाइयों में जमीन के बारे में कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस डायरेक्ट कोर्ट में दाखिल होते हैं और उसका निकाल जो होता है वो कोर्ट में ही लगता है। और जो फौजदारी केसेस रहते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट केसेस है, मारपीट, चोरी, ये जो केसेस है वो केसेस जो है वो पहले पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, आरोपी को उनको अरेस्ट किया जाता है यानी अटक की जाती है और सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में पुलिस उसका चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करते हैं और केस चलने का काम जो है वो कोर्ट में चलता है। ऐसा कोर्ट का एक रूटीन प्रोसीजर रहता है, जहाँ पे हर आदमी अपना पक्ष रख सकता है, मान सकता है। और क्या रहता है, जब सर्वसाधारण आदमी को कायदे का नॉलेज नहीं होता है तो उसके लिए उसको वकील लगाना पड़ता है जो कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, यानी कोर्ट प्रोसीजर चला सकता है। धन्यवाद वकील साहब, आपने हमारे विद्यार्थियों को वकील कैसे काम करते हैं इसका ज्ञान अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।